देखो टॉपिक हमारा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि मान लो हम लोग गर्मी में क्या करते हैं, कभी कभी सड़क पर पानी डाल देते हैं, जंगल पानी डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पानी है वो एकदम से क्या हो जाता है, यानी कि जो लिक्विड स्टेट है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो रही है, yes. तो लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन बेसिकली हमारा है, ये हमारा एक सरफेस फिनोमेना है, क्या हमारा छतों में डालते हैं हम लोग पानी, रोड पे डालते हैं, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि लिक्विड का लिक्विड स्टेट का कन्वर्ट होना कौन से स्टेट में, गैसीय स्टेट, क्या कहलाता है हमारा, इवेपोरेशन। क्लियर है, डेफिनेशन लिखेंगे पहले। इट इज अ फिनोमेना in which liquid changes to vapor state, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का सिंपल का मतलब है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। ठीक है, ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में आपसे 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इवेपोरेशन क्या होता है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इवेपोरेशन का मतलब क्या है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट, क्या समझो, ये मान लो छत है, हमने पानी डाल दिया पानी, तो अभी कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट, कौन से स्टेट में है, अभी कुछ पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे इसको हम डालते हैं लिक्विड स्टेट में, रोड पे हम लोग डालते हैं, छत पे डालते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हो सकता है छत पर धूप आ रही हो, एक तो फैक्टर हो गया सनलाइट, क्या हो गया हमारा, हो सकता है हवा चल रही हो, क्या चल रही हो, उसे बोलते हैं विंड, हो सकता है किसी की छत छोटी और किसी की क्या है बड़ी, तो वहां पर रहता सरफेस एरिया, क्या रहता है हमारा, सरफेस एरिया। और कभी कभी विंड की स्पीड भी काम करती है, कभी कभी हवा तेज चलती, कभी कभी धीरे चलती। तो इवेपोरेशन तो हमारा बेसिकली है, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, हो सकता है कभी कभी बारिश पहले से ही हो रखी हो और हवा में नमी हो, क्या हवा में नमी को हम लोग सही से बोलते हैं ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं, और कभी कभी हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उसका वो भी फर्क पड़ता है, तो नमी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो कहने का मतलब ये है कि इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और जैसे ही हम किसी लिक्विड को सरफेस पर डालते हैं तो बहुत सारे फैक्टर वहां पर आ जाते हैं, काम करते हैं, कैसे कैसे एक ही समझते हैं, मान लो हम लोग बात करें स्पीड ऑफ विंड की, मुझे ये बताओ आपने कपड़े सूखने के लिए डाले, तो जिस दिन हवा तेज चल रही होगी उस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे या जल्दी स्लो चल रहे होंगे, तेज चल रही है, मतलब स्पीड ऑफ विंड का इवेपोरेशन से क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, कैसा होता है, अगर हवा तेज होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, मतलब अगर हवा तेज होगी तो लिक्विड जल्दी जल्दी किसमें कन्वर्ट होगा, यस, कोई दिक्कत। अब मुझे ये बता दो, मान लो चाय आपने ली, ठीक है, अगर आप चाय को गिलास में पियो और कटोरे में पियो, जल्दी ठंडी किसमें होती है, कटोरे में, गिलास में, कटोरे में क्यों होती है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा, क्लियर है। अगर आप चावल गर्म करो कटोरे में खाओ तो आपको क्या लगे, ज्यादा गर्म लगे, और भैया प्लेट में खाओगे तो आपको कम लगे, क्यों, क्योंकि प्लेट में सरफेस एरिया क्या हो जाता है, अगर आप कपड़े को फैला के डालोगे तो जल्दी सूखेंगे, और भैया अगर आप ऐसे छिपा के रखेंगे, बता ना क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया का रिलेशन क्या होता है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो वेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, तो पहला फैक्टर क्या हुआ, स्पीड ऑफ, अगर हवा तेज चलेगी तो वेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ, अगर हवा क्या है तेज तो वेपोरेशन भी क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा तो वेपोरेशन भी क्या होगा, जिस दिन धूप ज्यादा पड़ रही है उस दिन कपड़े से सूखेंगे, जिस दिन कम सूख रही है जिस दिन धूप ज्यादा पड़ रही है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, यानी कि सनलाइट का और इवेपोरेशन का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, कैसा है, अगर धूप ज्यादा तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ, सिंपल सा, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट, अगर हवा तेज चलेगी
तो वाइब्रेशन भी तेज चलेगा, अगर धूप तेज होगी तो वाइब्रेशन भी तेज होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वाइब्रेशन भी ज्यादा होगा। चौथा हमारा है ह्यूमिडिटी। ये बताओ अगर हवा में नमी पहले से बहुत ज्यादा है तो कपड़े सूख जाते हैं? नहीं सूखते, क्या लेते हैं टाइम लेते हमारी वजन में। मान लो बारिश हुई हो, हमारा कपड़े सुखाने के लिए डाल दो तो टाइम लेगा, क्या लेगा? क्योंकि हवा में पहले से क्या है, वेपर प्रेजेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे कपड़े डाले, ठीक है, और हवा में पहले से बहुत नमी है भाई, इवेपोरेशन करता क्या है, जो कपड़े के अंदर लिक्विड है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, वो गैस। बट हम क्या देख रहे हैं, गैस में पहले से क्या प्रेजेंट है, लिक्विड है, क्योंकि बारिश हो चुकी है। तो जो लिक्विड इस कपड़े के अंदर है वो यहाँ से यहाँ आने में टाइम लेगा, क्या लेगा? वो जल्दी क्लियर हुआ। तो वेपोरेशन के चार फैक्टर है, कौन कौन से? सरफेस एरिया, स्पीड ऑफ विंड, सनलाइट, और क्या हमारा क्लियर हुआ। तो डालेंगे फैक्टर ऑफ वेपोरेशन। फैक्टर्स ऑफ वेपोरेशन पहला पॉइंट देखेंगे इसमें। इंक्रीज इन सरफेस एरिया पहला फैक्टर है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसमें लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अगर हम लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दें, मतलब हम लोग चाय को गिलास में डालेंगे, इसमें डालेंगे कटोरी में, तो हम रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर विंड, सेकंड हमारा है विंड। इसमें लिखेंगे एरो डाल के विंड में, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस, अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अगर आप विंड की स्पीड बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। थर्ड फैक्टर लिखेंगे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इसमें लिखेंगे। तो जिस दिन हवा में नमी ज्यादा होगी उस दिन कपड़े जल्दी नहीं सूखते, और जिस दिन कम होगी उस दिन जल्दी सूखते। लेकिन बेटा बातें बताओ, व्हेन द ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, when the humidity of air is low, when the humidity of air is low, comma, evaporation rate is increased. मोर ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है कॉमा लेस इवेपोरेशन, लेस इवेपोरेशन। चौथा पॉइंट लिखेंगे, जो मैंने लिखी है ना सनलाइट, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर। अगला फैक्टर है टेम्परेचर, when a temperature increases,
टेम्परेचर इंक्रीजेस कॉमा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस क्वेश्चन देखेंगे हाउ डज एक नंबर और मुझे लिखवाया है केवल रिवाइज में डाउट का पूछना